कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, महाराष्ट्र में हम उनको बलि राजा कहते हैं, लेकिन आज हमारे देश के हजारों नहीं लाखों किसान हर साल आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों के आत्महत्या बचाने के लिए, किसानों को अच्छा जीवन देने के लिए कोई भी वाक्य या कोई भी योजना का उसमें हमें सुनने को नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो अभी ये जो सरकार है एनडीए की, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन खाद के भाव हो, उर्वरक के भाव हो, कीटकनाशकों के और बीज के भाव, ये जरूर दुगने हो गए। एमएसपी की कीमतें बढ़ाई नहीं जाती, एमएसपी से कम रेट पे किसान में बाजार में अपनी फसल बेचना पड़ती है तो टाइम पे इनके खरीदी केंद्र चालू नहीं होते, किसानों का माल टाइम पर नहीं लिया जाता, ना ही किसानों को टाइम पे मुआवजा दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर बात करूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक अच्छी राहत साबित होंगी, किसानों को मदद होंगी ऐसी करके लाई थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सरकारी पक्ष को पूछना चाहता हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री का ही राज्य है गुजरात, कि जो गुजरात फसल बीमा योजना से बाहर क्यों हुआ? मध्य प्रदेश में भी इनकी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश भी उनकी सरकार फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर क्यों हुए? क्योंकि ये जो फसल बीमा योजना है, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये फसल की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये किसानों के हित की नहीं, ये बीमा कंपनियों के हित की ये योजना है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सुधार करने के बारे में बहुत सारे हमने सुझाव दिए, लेकिन अभी तक कोई उसमें सुझाव का स्वीकार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत जोर शोर से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सब बेघर या कच्चे मकान वालों को पक्के मकान देने का वादा किया है। क्या वादा था अध्यक्ष महोदय? कि हम 2022 तक हर कच्चे मकान वाले गरीब लोगों को पक्का मकान देंगे। अब 2022 खत्म होने को आई, अभी तक 25-30% लोगों को भी पक्के मकान अध्यक्ष महोदय मिले नहीं। अब इसकी जो है कार्यकाल वो 2024 तक बढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा सिविल इंजीनियर है ये सरकार में कि जो 1,20,000 में 2 रूम और टॉयलेट बाथरूम सहित गरीबों को पक्का मकान बना के दे सकता है? 1,20,000 में नीचे का चबूतरा भी नहीं हो सकता, क्लीन भी नहीं हो सकती 1,20,000 में। लेकिन हम गरीबों को सपने दिखा रहे हैं कि हम सब कच्चे मकान वालों को पक्के मकान दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कहा गया कि हमारे सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 65,000 करोड़ की राशि वहाँ पर जाहिर की। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सारे राज्यों में और मेरे महाराष्ट्र राज्य में भी मैंने देखा कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के अनुदान और बैंकों के कर्जों के लिए निर्भर है। ये जो योजना हमने बांग्लादेश से ली थी, जो भी बीपीएल के नीचे के जो महिलाएं हैं, उनको अच्छे व्यवसाय देके, उनके हाथों को काम देके, वो जो निर्माण करेंगे वो वस्तुओं को अच्छी मार्केट देके, हम उनको एपीएल में लाना चाहते। मेरा दावा है कि अगर एक भी कोई बचत सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर एक भी सदस्य बीपीएल में से अगर एपीएल में कन्वर्ट हुआ होगा, तो अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे शब्द वापस करता हूँ। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो उत्पाद है बहुत ही अच्छे है, लेकिन इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था कहाँ पर भी नहीं, इसको बेचने के लिए कोई जगह नहीं है, किसको देना है तो कहाँ देना है ये समझाने के लिए भी अध्यक्ष महोदय वही कोई समझने की बात नहीं। अध्यक्ष, मैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में कहूँगा, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उत्तर में यही चाहूँगा कि आज तक आयुष्मान भारत योजना के कार्ड कितने दिए गए
और उसमें से कितने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत के योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक उनके दवा के लिए या उनके इसके लिए उनको उनकी मदद मिली इलाज के लिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राम मंदिर का उल्लेख हमारे बहुत सारे सदस्य ने किया और उनके बोलने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे इन्होंने इनकी खेती बेच के या फसल बेच के राम मंदिर बनाने का काम कर रहे। अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। यही सदन में हमने बोला था कि अपनी मेजॉरिटी है, तुम ये सदन में कानून लाओ राम मंदिर बनाने के लिए, कोर्ट का फैसला सुनने के लिए टाइम बर्बाद मत करो। लेकिन ये सरकार ने कानून नहीं लाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जब वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन भूमि पूजन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए। अध्यक्ष महोदय, ये लोगों को मालूम होगा कि अगर बाबरी का ढांचा नहीं गिरता तो वहां राम मंदिर का निर्माण नहीं होता था। लेकिन जब बाबरी का ढांचा गिरा, भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद, RSS, जो भी हिंदू संगठन थे, वो सब मुकर गए कि ये ढांचा हमने नहीं गिराया, ये ढांचा शिवसेना वालों ने गिराया। जब बाला साहब ठाकरे को ये पूछा गया कि ये ढांचा तुम्हारे शिव सैनिकों ने गिराया, तब एक ही हिंदू मर्द था पूरे देश में कि हाँ, अगर मेरे शिव सैनिकों ने ये बाबरी ढांचा गिराया होगा तो वो सैनिकों के ऊपर मुझे गर्व है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग यहाँ पर जाके YouTube पे जाके प्रमोद जी के भाषण सुनेंगे कि जब बाला साहब ठाकरे के उनके किताब का अनावरण था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अमिताभ बच्चन थे, लता मंगेशकर जी थी और प्रमोद महाजन, उस भाषण में बोले थे कि इस देश में अगर हिंदू का कोई नेता होगा और हिंदू को हिंदू बोल के मतदान कराने वाला अगर कोई एक में नेता होगा तो वो बाला साहब ठाकरे। और आज हमारे लांछन रखते हैं कि महाराष्ट्र में UPA के सरकार ने शिवसेना का मुख्यमंत्री बना तो हमारे हिंदुत्व के ऊपर ये लोग टीका करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि जब कश्मीर में आप लोगों ने सरकार स्थापन की थी तो आप किसके साथ में गए थे? उत्तर प्रदेश में मायावती जी को आप समर्थन कर रहे थे, तब अपने पार्टी की सोच क्या थी? और बिहार में जो नीतीश कुमार जी पंत प्रधान नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आने पर NDA छोड़ के जाने वाले अगर पहले नेता कोई थे तो वो नीतीश कुमार जी थे। तो उनके सदस्य संख्या, उनके विधायक कम होने के बावजूद भी अब उनको पीछे मुख्यमंत्री बनाने को घूम रहे। और जो 25 साल शिवसेना ने आप लोग को उंगली पकड़ के पूरे हिंदुस्तान का हिंदुत्व आप इन लोगों को सिखाया, आज शिवसेना के खिलाफ हिंदुत्व के बारे में हम के लोगों के बारे में वो बोलते। अध्यक्ष महोदय, 370 कलम का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया, 370 कलम हटाने को हमने भी सहयोग किया, लेकिन 370 हटाने के बाद में क्या मिला? जो कश्मीर से हमारे हजारों लाखों पंडित निर्वासित हुए थे, क्या इतने 2 साल में तुमने कभी एकाधे पंडितों का घर कश्मीर में बताया? जो उनकी जायदाद प्रॉपर्टी उन लोगों ने छीन ली थी, क्या एकाधे पंडितों को उनकी प्रॉपर्टी, उनका घर वापिस दिलाने में तुम अभी तक यहाँ पर काम कर सके हैं? अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ ये झूठे जुमले है, लोगों के फंसाने का काम चल रहा है, लोगों को खाली ख्वाब दिखाने का काम चल रहा है। यहाँ पर अभी मेरे पहले हमारे महाराष्ट्र के हमारे दो सांसद सुजय विखे पाटिल जी ने भी यहाँ पर भाषण किया, बहुत गौर से मैं उनका भाषण सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था को बार बार UPO को कोस रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सुजय जी जन्म से BJP के सांसद बने तक UP में ही थे, UPA में ही थे, कांग्रेस में ही थे, उनके दादाजी कांग्रेसी थे, पिताजी कांग्रेसी थे, ये अभी सांसद बने अच्छी बात है। इन्होंने जितना भी यहाँ पर इतने बातें क्या है कि यूपी को उन्होंने कोसा, तो जब वो UPA के ऊपर वो हमला कर रहे थे तो उस टाइम UPA के सरकार में कभी इनके पिताजी मिनिस्टर थे तो कभी उतर, एक मिनट आखिरी का, एक मिनट कंक्लूड करो, एक मिनट में करूंगा मैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 मिनट में खत्म करता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत ही कर रहे थे, लेकिन ऐसी कहावत है कि नईन मुल्ला जरा ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह करता है, क्योंकि उसको करने की जरूरत होती है कि आज इनको भी अपना विश्वास बताने के लिए कि नहीं, हम अभी BJP में ही रहेंगे तो
तो इसीलिए कांग्रेस हो या महाविकास आघाड़ी के सरकार के खिलाफ ये लोगों को बोलना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, हमने यहाँ पर भाषण राष्ट्रपति जी का सुना, लेकिन यहाँ पर हम जो सुनते थे कि सबका साथ सबका विकास सबके साथ न्याय, मैं यहाँ पर उत्तर में ये भी सुनना चाहूँगा, क्या हमारी ये केंद्र की सरकार इस देश के सभी राज्यों में जहाँ पर गैर बीजेपी सरकारें हैं वो सरकार से भी सही ढंग से न्याय करती है? उनका हक, उनका अधिकार उनको सही ढंग से दिया जाता है? इनका भी जवाब दे। आज हमारे महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार को रेवेन्यू देने वाला राज्य है। 1 रुपये में से 38 पैसे रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है। आज हमारे 30,000 करोड़ रुपए, कृपया समाप्त कीजिए, बस एक आधे मिनट समाप्त कीजिए। 30,000 करोड़ रुपए हमारे अभी केंद्र सरकार के तरफ देना बाकी है। क्यों हमारी सरकार अगर देती तो हमारा महाविकास आघाड़ी का सरकार और अच्छा काम करता। आपने भी सुना होना अध्यक्ष महोदय, इस 2 साल में जितने भी सर्वे हुए तो इस भारत देश में सबसे अच्छे काम करने वाले पहले 5 मुख्यमंत्री की याद में महाराष्ट्र के हमारे नेता माननीय उद्धव जी ठाकरे का नाम कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नाम। ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, अध्यक्ष महोदय ये अन्याय। ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, काइंडली समाप्त। आदरणीय सदस्यों के लिए मैं